यहां से तो नहीं गए, लेकिन पूरी तहसील के सैनी समाज के लोगों ने मेरे से कहा कि हमारी नैया डगमगा रही है, आप बांदीकुई जाओ और रामकिशोर जी का प्रचार करो। मैं आप सैनी समाज की आज्ञा से, पटेलों के निर्देश से जो महुआ में इकट्ठे हुए थे, आपके यहां से नहीं जा पाए थे, वहां पर इकट्ठे हुए थे, कल ही में आप रामकिशोर जी से पूछ लो, सबसे बड़ी सभा करके आया हूं, जो सीट खतरे में थी मैं बड़े विश्वास के साथ इस मंदिर पे कसम खा के कह सकता हूं कि 80-90% मीणे इनको वोट देने के लिए मैं कल ही तैयार करके आया हूं बड़ी सभा। अब आपके दिमाग में कोई बात ऐसी हो, अब ये तो हमारा आपका पैक्ट हो गया कि हम वहां वोट देंगे, और आप रामकिशोर जी से पूछ रहे हो मीणे वोट दे रहे कि नहीं दे रहे। मैं तो यही कहने के लिए आया हूं, जब हम वहां वोट दे रहे तो आप ना वोट दे दो, और कोई ऐसी गारंटी आपको किसी ने दे दी है जिसकी कतई गारंटी नहीं है। अगर कांग्रेस की मेजोरिटी आई तो मैं आपको कह के जा रहा हूं मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेगा, आपको कह के जा रहा हूं, लिख लो। सावधान होने की आवश्यकता है, गहलोत साहब के कहने से अपने इलाके में एक भी टिकट नहीं दिया, ये भी आप देख लो, और कल ही उन्होंने बयान दिया है पायलट साहब ने कि मैं ही करता धरता रहूंगा, आप अखबार में पढ़ सकते हैं, करौली के अखबार में छपा। तो कोई दिमाग में छोटी मोटी गलतियां हैं, गलती में कोई देवता तो हो नहीं, मैं आदमी हूं, गलती आदमी से होती है, जो गलती हुई है उनको तो माफ करो, और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दो, मैं कंधे से कंधा मिला के आपके विकास के भी काम करूंगा, और पूर्ण शांति बनाए रखने की गारंटी मैं आप पूरे भाइयों को देना चाहता हूं। अब कोई और बोलना चाहो तो बोलो, कोई फिर भी दिमाग में बात है तो।